यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में नगर पालिका की शालाएं बदहाल हो चुकी है। मोती नगर में स्थित उर्दू शाला नंबर 3 की इमारत भी खस्ता हाल हो चुकी है। हाल ही में यहां पोर्च का स्लैब ढहने की घटना घटित हुई थी। शिकायत के बाद भी पालिका के निर्माण कार्य विभाग ने अब तक इसकी कोई सूद नहीं ली है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह स्पेशल रिपोर्ट। शहर भर में दिग्रस नगर पालिका की मराठी और उर्दू की कुल 14 प्राइमरी शालाएं हैं। इन शालाओं में ज़्यादातर शालाएं खस्ताहाल हो चुकी है, जिसके बारे में हम एक के बाद एक खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को जब हमने पालिका की उर्दू प्राइमरी शाला नंबर 3 का दौरा किया, तब स्कूल की आकर्षक इमारत नजर आई। स्कूल के मैदान में बना बागीचा और स्कूल परिसर का रखरखाव भी लुभावना था, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ जो कुछ भी आकर्षक नजर आ रहा है उसमें पालिका प्रशासन का दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है, क्योंकि स्कूल के रंग रोगन और रखरखाव के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक और शिक्षकों ने अपना समय, मेहनत और पैसा खर्च किया है। बहरहाल इस स्कूल की इमारत बाहर से चाहे जितनी भी आकर्षक लगे, लेकिन भीतर से इसकी दुर्दशा चिंता का विषय है, क्योंकि लगभग 30 से 35 साल पुरानी यह इमारत अंदर से जर्जर हो चुकी है। स्कूल की छत कमजोर होने से यहाँ की कक्षाओं में बारिश के दिनों में पानी टपकता है। अन्य स्कूलों की तरह ही डिजिटल क्लासरूम का झूठ यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में साफ तौर से लिखा नजर आता है, जबकि कथित डिजिटल क्लासरूम में विद्यार्थियों को बैठने के लिए डेस्क बेंच तक नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पालिका के स्कूलों से डिजिटल क्लासरूम का जनाजा तो पहले ही उठ चुका है। इस स्कूल में खस्ताहाल कक्षाओं के साथ ही यहां पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 130 है, जिसके मद्देनज़र शिक्षकों की कमी भी यहां साफ तौर से नज़र आती है। स्कूल में ड्रेनेज लाइन भी चौक हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां उत्पन्न हो रही असुविधा का खामियाजा विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी उठाना पड़ रहा है। नगर पालिका की दिग्रस शहर की मराठी या उर्दू माध्यम की जो शालाएं हैं उनकी दुरावस्था को लेकर, प्राथमिक स्कूलों की जो समस्या है उसको लेकर हम लगातार खबरें जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मोतीनगर की उर्दू शाला क्रमांक 3 में। यहाँ पर देखा जाए तो इस शाला का जो रखरखाव है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ की इमारत और यहाँ का परिसर काफ़ी आकर्षक लगता है, लेकिन बावजूद इसके इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर छात्र भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लैब से पानी का रिसाव होता है बारिश के दिनों में। तो इस तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्कूल क्रमांक 3 के शिक्षक। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि स्कूल काफ़ी आकर्षक लगता है, परिसर अच्छा मेंटेन किया गया है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग को लेकर क्या समस्या है? हाँ, इस स्कूल के बिल्डिंग को लेकर जो समस्या है वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही आती है, क्योंकि बारिश के मौसम में इमारत के 2 से 3 रूम ऐसे हैं जिसमें लगभग पानी बहुत ज़्यादा तादाद में गिरता है, और पानी गिरने की वजह से बच्चों को बैठने की तकलीफ होती है, और उस वक्त पर हमको एक एक रूम में 3-3 क्लासेस, 2-2 क्लासेस एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर पानी, बारिश के मौसम में पानी गिरने की बहुत ज़्यादा समस्या है, और दूसरा पट संख्या जितनी है वो हिसाब से यहाँ पर शिक्षक की भी कमतरता है। कुल मिलाकर कितनी पट संख्या? कुल मिलाकर लगभग 130 के आसपास यहाँ पर संख्या है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर एक शिक्षक की भी ज़रूरत है, यहाँ पर एक टीचर भी यहाँ पर होना तादाद के हिसाब से। तो ये थे अतीक मोहम्मद, जिन्होंने यहाँ की समस्या के बारे में हमको अवगत किया। हम आपको बता दें कि ये स्कूल जो है मोतीनगर में स्थित है। मोतीनगर शहर का एक ऐसा एरिया है, ऐसा परिसर है जहाँ पर ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग रहते हैं, और ख़ास बात यह है कि इस स्कूल में बाकी नगर पालिका की जो स्कूलें हैं उसकी तुलना में यहाँ की पट संख्या और यहाँ का अटेंडेंस सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये इमारत जो है अपनी मरम्मत को तरस रही है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही के दिनों में जब स्कूल यहाँ इस सत्र में शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो स्लैब है इस बिल्डिंग के पोर्च का वो टूट चुका था। और चौंकाने वाली बात ये भी थी कि उस वक्त काफ़ी छात्र जो है, विद्यार्थी जो है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किस्मत से कोई दुर्घटना वहाँ पर नहीं घटी। तो इस स्कूल की मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। नगरपालिका प्रशासन को चाहिए कि वो इसका तत्काल संज्ञान ले और इसकी जो भी समस्या है उसको दूर करे। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।